बीएससी पार्ट सेकंड में अपने चल रहा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक। उपसंयोजक यौगिक पढ़ रहे थे, यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसमें रहेगा प्रभावी आज का जो टॉपिक। क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? कि जो सिज्यूक था, सिज्यूक ने बताया कि सिज्यूक ने संकल्पना प्रस्तुत की और उस संकल्पना के अनुसार इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो कंसेप्ट दिया था सिज्यूक ने, वो बताया कि वर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी धातु की जो दो संयोजकताएं होती है कौन कौन सी, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकताएं। जो एक ही लिगेंड जैसे सीएल धातु की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकताएं संतुष्ट कर सकता है, कौन? एक ही लिगेंड, कौन? क्लोरीन। ऐसा क्यों होता है, वर्नर इसको समझाने में असफल रहा। तो सिज्यूक ने 1923 में ये अपना कंसेप्ट दिया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की कंसेप्ट दिया था, और उस कंसेप्ट के अनुसार जो सिज्यूक जो पहले वर्नर था, वर्नर ने किसी भी जो धातु है उसकी दो संयोजकताएं बताई थी कौन कौन सी, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकताएं और द्वितीयक संयोजकताएं एक ही लिगेंड द्वारा सेटिस्फाइड होती थी, ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जो वर्नर है वो नहीं समझा पाया था। सिज्यूक ने बताया कि लिगेंड और धातु के मध्य उपसंयोजी बंध जब बनता है, जब एक उपसंयोजी बंध में लिगेंड परमाणु के रूप में इलेक्ट्रॉन युग्मों में क्या करता है, दान करता है, साथ ही धातु आयन भी साझा करता है, इस प्रकार को उपसंयोजी बंध के माध्यम से संक्रमण धातु उत्कर्ष इस विन्यास को क्या कर देते हैं, ग्रहण कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो इसमें इस तरीके से इसको ड्राइव कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सी जो 1923 में एक संक्रमण प्रस्तुत की जिसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिज्यूक ने 1923 में एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इफेक्टिव एटॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। वर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी धातु की दो संयोजकताएं होती है, वर्नर सिद्धांत के अनुसार किसी धातु की प्राय दो संयोजकता वर्नर इसे
1923 में एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, और वर्नर सिद्धांत के अनुसार जो वर्नर ने फील्ड में काम किया था कोऑर्डिनेट कंपाउंड के बारे में, तो उसे वर्नर ने बताया कि सभी एटॉमिक प्राय दो संयोजक हैं, उनके प्राथमिक और द्वितीयक संयोजक हैं, अर्थात एक ही लिगेंड जैसे क्लोरीन लिगेंड है, मेटल की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही संयोजकता को क्या करता है, संतुष्ट करता है या प्रदर्शित करता है, संयोजकता संतुष्ट या प्रदर्शित कर सकता है, ऐसा क्यों होता है, वर्नर के बारे में कोई एविडेंस नहीं देता है। इसके एक बार डिनोट कर लो और इसका जो नेक्स्ट है इसमें जो बताया था कि जो सीजीक ने बताया कि लिगेंड व धातु आयन के मध्य सीजीयू ने बताया कि लिगेंड है धातु आयन के मध्य उपसंयोजन बंध बनते हैं। तो सीजीयू ने क्या बताया कि धातु और लिगेंड आयन के मध्य उपसंयोजन बंध बनते हैं। एक उपसंयोजन बंध के बंध में लिगेंड धातु परमाणु के एक ही उपसंयोजक बंध में जो ट्रांजिशन है संक्रमण धातु उत्कर्ष के विन्यास में कर लेते हैं। नोबल बेस कॉन्फिगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो इसको नोट कर लो। अब एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स को दे देंगे क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन में इस कॉम्प्लेक्स में आपको प्रभावी परमाणु क्रमांक को बताना, तो
इसका क्या फॉर्मूला है कि धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक वो आपको लिखना है यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल प्लस क्या होगा लिगेंड द्वारा दान किए गए कुल इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा दान किए गए कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या ये फॉर्मूला होगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। इस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का इस फॉर्मूले में जैसे मान लीजिए खोए गए इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा मेटल के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन खोए या फिर ये कह सकते हैं ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या फिर यूं कह सकते हैं कि प्राप्त इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा लिगेंड के द्वारा मेटल प्राप्त इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं उसमें देखते हैं कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। ये कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसका आपको क्या करना है ईएन का परिकरण करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालना है किस कॉम्प्लेक्स के लिए क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे ही आता है कि एक्सएमई कॉपर थर्ड आयन में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है तो यहां पर देखते हैं कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का परमाणु क्रम CO3 प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 3 इसकी 0 होती 3 प्लस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है तो इसकी क्या हो जाएगी एटॉमिक नंबर कितना है 27 और 27 माइनस 3 इक्वल टू 24 एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इसके अंदर 24 इलेक्ट्रॉन आ गए CO आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन की संख्या CO प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 24 हो गई। अब जो 6 लिगेंड है द्वारा CO को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 अनंत लिगेंड द्वारा CO को दान किए इलेक्ट्रॉन की संख्या एक अनंत ध्रुवकर्ता 6 कितने करेंगे 2 = 12 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितने हो जाएंगे 24 + 12 केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक 27 यहां मैंने 27 रख दिया माइनस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर 3 प्लस लिगेंड द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉन कितने 12 कितने हो गए 24 + 12 यानी कि 36 ये 36 क्या है ऑर्गन यानी कि जो नोबल गैसेज है उनका कॉन्फिगरेशन है 27 तो दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्या करता है पारण करता है इस तरीके से NH3 तो केंद्रीय धातु परमाणु प्रभावी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है 36 तो ऐसे निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कुल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसको डिनोट कर रहे एक बार एक एग्जांपल और करते हैं इसका एक एग्जांपल लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स है निकिल निकिल का
इसमें ई एन को क्या करना है आपको, प्री प्लस करना है इस कॉन्टेक्स्ट में ई एन। देखो इसमें ई एन याद करनी है इसकी, किसकी, टेट्रा कार्बोनिल निकिल आयन। इसमें कोई चार्ज नहीं माने, चार्ज भी माने तो चार्ज को माइनस कर देंगे। देखो इसमें क्या है, निकिल का निकिल परमाणु का एटॉमिक नंबर, यानी निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और लिगेंड कितने हैं, लिगेंड निकिल का एटॉमिक नंबर कितना है, 28 होता है, 28। और यहाँ देखो निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, 0 है। निकिल पर कार्बोनिल समूह कितने हैं, CO 4 है, तो 4 से कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, 28 से कितने हो जाएंगे, 36। यानी कि ये जितने आ गए, ये एन के नंबर आ गए, तो क्या है इसको फॉलो करता है, तो 36 क्या हो गया, जैसे निकिल को फॉलो करने वाला कॉन्फिगरेशन हो गया। अब इसी के अंदर जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल है प्लेटिनम निकिल, जो प्लेटिनम है इसके साथ -3, 6, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पर क्या है फॉस्फोरस का चार्ज है, इसमें ई एन देखते हैं। ये जो ई एन है ये बताता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के पास में कुल कितने इलेक्ट्रॉन परसेंट है, यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लोअर गैसेस या फिर लिनियर जैसा होता है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है, यदि कम आता है तो वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं करता। जैसे प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर कितना है वो 70 है, प्लेटिनम एटॉमिक नंबर 70 है, और Pt4+ के बाद से होती है -4=74। अब यहाँ जो लिगेंड है, लिगेंड कितने हैं, NH3 6 लिगेंड बचे हैं, तो 6 × 2 = 12। तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है आपके वो कितने हो जाएंगे, 74+12 = 786। 86 आ गया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये आज की क्लास में ये है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का किस तरीके से निकालते हैं वो ये है। तो नेक्स्ट क्लास में आपसे एक एग्जांपल देता हूँ, निकिल साइनाइड 6-2-, या फिर ये कह सकते हैं कि निकिल जो होता है वो साइनाइड के साथ 4 साइनाइड के साथ बॉन्ड बनाता है और एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, इसके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितने आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।